आप देख रहे हैं वार्ता 24। भारतीय राजनीति में अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि मुसलमानों का सियासी मसीहा कौन है और देश में मुस्लिम पॉलिटिक्स क्या है। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी के खिलाफ 26 विपक्षी दलों ने मिलकर INDIA गठबंधन बनाया है। इसके गठन के साथ ही ये सवाल उठे कि मुस्लिम आधारित पार्टियों को जगह नहीं मिली। विपक्षी गठबंधन में ना ही असुद्दीन ओवैसी की AIMIM को एंट्री दी गई और ना ही बदरुद्दीन अजमल की AIUDF को। ओवैसी ने INDIA पर मुसलमानों की पॉलिटिक्स की अनदेखी का आरोप लगाया। ऐसे में सवाल उठता है कि ओवैसी और अजमल की गैर मौजूदगी में INDIA के पास ऐसे कौन से चेहरे हैं जो मुस्लिम मतदाताओं को साधने की ताकत रखते हैं। AIMIM के अध्यक्ष असुद्दीन ओवैसी और AIUDF प्रमुख बदरुद्दीन अजमल भी चाहते थे कि बीजेपी के खिलाफ बनने वाले गठबंधन में उन्हें शामिल किया जाए। विपक्षी गठबंधन INDIA के गठबंधन से पहले बदरुद्दीन अजमल ने पटना जाकर CM नीतीश कुमार और डिप्टी CM तेजस्वी यादव से मुलाकात की थी और गठबंधन में शामिल होने की इच्छा जाहिर की थी। मुस्लिम मतदाताओं के एक तबके का झुकाव ओवैसी और अजमल की तरफ हुआ है क्योंकि दोनों ही मुस्लिम दलों का एजेंडा मुस्लिम प्रतिनिधित्व को बढ़ाने और अपनी लीडरशिप को खड़े रखने की है। आपको बता दें, बीजेपी के खिलाफ बने विपक्षी गठबंधन INDIA का हिस्सा TMC प्रमुख ममता बनर्जी भी हैं, जो पश्चिम बंगाल की सियासत में मुस्लिमों का मसीहा बनी हुई है। बंगाल में करीब 27% मुस्लिम मतदाता है। राज्य में मुस्लिम राजनीति के लिए फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी ने ISF बना रखी है और असुद्दीन ओवैसी ने 2021 के बंगाल चुनाव में किस्मत आजमाया था। लेकिन मुसलमानों के दोनों मुस्लिम नेता ही नहीं बल्कि कांग्रेस और लेफ्ट को भी दरकिनार कर TMC के पक्ष में वोट दिया था। ममता बनर्जी को मुस्लिम परस्ती राजनीति के लिए बीजेपी के द्वारा तुष्टीकरण के आरोपों का भी सामना करना पड़ा था। 2024 के लिए कांग्रेस और ममता बनर्जी एक साथ हैं तो बीजेपी से सीधी लड़ाई होने की संभावना है। ऐसी स्थिति में मुस्लिमों का झुकाव INDIA के लिए एक तरफा होगा। अब एक सवाल है कि क्या ओवैसी मुस्लिमों के सबसे बड़े हमदर्द हैं? दरअसल AIMIM के नेता तो दावे के साथ कहते हैं कि देश में असुद्दीन ओवैसी जैसा मुसलमानों का हमदर्द कोई दूसरा नेता नहीं है। संसद से लेकर सड़क और सोशल मीडिया तक ओवैसी मुसलमानों के मुद्दे पर बेबाक तरीके से बात करते नजर आते हैं, जो मुस्लिमों को खूब भाता है। मुस्लिम पार्टियों के नेताओं की रैली में मुसलमानों की भीड़ तो खूब उमड़ती है। इनके जज्बाती भाषणों पर तालियां भी खूब बजती हैं, लेकिन वोट देते समय मुसलमान धर्म निरपेक्ष पार्टियों को ही तहजीब देते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि INDIA गठबंधन में मुसलमानों का मसीहा कौन होगा। इस खबर से जुड़ी नई अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए वार्ता 24।